मैदाना और वे अवलुद्दीन मारे फतुल जब्बार असला तो वसलाम सैदील مدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما امامنا ومولانا وسيدنا ومقتدانا الحسين بن علي وآل بيته وأعوانه وأنصاره ولا سيما امام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية الوافرة الكثيرة الطامة المتواترة المتوالية على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والمصحف الكريم والكتاب العظيم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وبسين الانسان بوالديه احصانا

फीजुरयती इन्नी तुब तो होनी मिनल मुसलिमी सलावात काबिल कदर सादात किराम मोमिन व मोमिनत हाजरीन वाजरात नाजरीन हो नाजरात मस्जिद अलीलाम में न्यू जर्सी में चौदह सो चवालीस हिजरी के मुहर्रम हराम की मजालिस जारी सारी हैं और बानवासैनियाब हफ्तुम में सातवीं मजल से अजा है हमने आपकी खदमत आलिया में अब तक चौदह खास से मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के पेश किए आज हम अल सतु अशर बयान करने जा रहे हैं और वो है हैजा उल हुसैन इमाम हुसैन की आजादारी का जिक्र पाक का इतना दर्जा और सवाब है जो किसी और मासूम की मजलिस आजादारी जिक्र का नहीं पहली जो हदीस शरीफ पेश करना चाह रहा हूं इमाम जाफरे सादिक सलामुल्लाह सादिख फरमाते हैं महमू में नफा सुम तस्बीन वमहूलना इबादतुन वह कितमान सिर लना जिहाद उनफी सबी फरमाते हैं कोई बंदा अगर हमारे ऊपर होने वाले मजालिम को याद करके एक आहे सर्द भरे तो उसका सवाब तस्वीर के बराबर है एक तो तस्वीर है सुबहान अल्लाह कहना यह भी तस्वीर है मेरे उस्ताद मोहतरम ने यह फरमाया था कुम में कि इस तस्वीर से मुराद वो तस्वीर है जो हजार रकात से अफजल है एक सर्द आह भर लेना हमारे मजालिम पर वो तस्वीर है जैसे रमजान अल मुबारक में फासबी है जब आप सांस लेते थे तो रमजान में हर सांस तस्वीर था हर सांस हुसैन के जिक्र में तस्वीर इलाही बन जाता है ये स्टेटस है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजा का वह हम अगर कोई बंदा बस एक मरतबा हम यानी गम तकलीफ रंज अलम दुख का इजहार कर दे या अंदर ही अंदर रंजीदा हो जाए हम हम वो गम होता है वो जो हमारे हम वो गम हैं उनसे इंप्रेस होकर वो लम्हे के लिए ये सोचे कि इमाम हुसैन के साथ उनके अनसार के साथ आले मोहम्मद के साथ क्या तकलीफें हुई क्या उनको रंज हुए ये सिर्फ हम इबादत खुदा बन जाता है नफस तस्वीर बन गया नफस का दूसरा तर्जमा जो होता है वो सांस है सांस ये तो मेरे आहे सर्द जरा मुरादी असल में जो तर्जमा है नफस का नफस कशीदन यानी सांस लेना नफस का माना है सांस लेना अब जरा कदर फरमाएं और देखें कि क्या खासा है इमाम हुसैन अल्लाम की अजा का आजादारी मजलूम करबला में जो सांस निकलती है वो हजार रकत से अफजल हो जाती है जितनी सांसें होंगी उतनी तस्मीहें शुमार हो जाएगी और हम जो है हमारे लिए हम वो गम व इबादत है इसलिए मैं हमेशा करता हूं कि फर्श आजा पर हमेशा बावलू तशरीफ लाए क्योंकि ये इबादत हम ये इबादत के लिए हाजिर होते हैं ये खुद इबादत पर कितम सर लाना और हमारे सीक्रेट्स को हमारे मजहब के मुहिमत को सीना ब सीना नस्लन बद ना जिहाद फी सभी है ये जो आप अपनी नस्ल तक उलूम आल मोहम्मद किरदार आल मोहम्मद गुफ्तार आल मोहम्मद तालीमत आल मोहम्मद रविश आल मोहम्मद अकायद आल मोहम्मद अमाल आल मोहम्मद पहुंचा रहे हैं ये पहुंचाना आपको जिहाद का स्टेटस देता है ये सिर्फ तबलीगे अजाय आल मोहम्मद खुद जिहादे फी सभी जैसे हुजूर ने फरमाया अल कल फी का जो बंदा अपने घर वालों के लिए रिज कमाने के लिए जाता है वो गोया जिहादे फी कर रहा है हुजूर जा रहे थे जिहाद पर एक शख्स मदीना के कॉर्नर पे परेशान था देखा वो रो रहा है सरकार ने पूछा माजा युवकी का क्यों रो रहे हो क्या सरकार मेरा भी दिल चाहता था कि मैं आपके साथ जिहाद पे जाऊं और ये दर्जा लूं कि मैं मुजाहिद फी सबील्ला हूं माइत रसूल में मगर मेरी एक टेक्निकली मजबूरी है मेरे माँ बाप दोनों मरीज हैं और कोई उनका और तीमारदारी करने वाला नहीं आपने इर्शाद फरमाया 24 घंटे की बूढ़े माँ बाप की खिदमत मेरे साथ किए गए एक साल जिहाद के बराबर है तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे अज़ीज़ों हो जिहाद तो आपके घर में मौजूद है आजकल बड़ी मुहिम चल रही है कि नर्सिंग होम बनाए जाए नर्सिंग होम खास तौर पे हमारे मां बाप के लिए हुजूर कोई नर्सिंग होम होना चाहिए देखिए मां बाप है स्टेटस जो मां बाप का है ना ये आज सुन लीजिए किसी ने पूछा हुजूर से कि सरकार मेरे मां बाप का स्टेटस क्या है आपने फरमाया किलामल जन्नत हो व नार उलका ये दोनों तुम्हारे लिए बाय से जन्नत भी है बाय से जहन्नम भी है एहतात करो तो इन्हीं के सबब जन्नत में जाओगे मासीत करो तो जहन्नम में जाओगे अन नजरा तो एलल अब हुब्बल्लाहू वन नजरा तो एलल उम ता तादिलो हज्जम मबरूरा हुजूर ने फरमाया एक निगाह अच्छी कर लो माँ या बाप के चेहरे की तरफ मोहब्बत वाली अल्लाह एक हज मकबूला का सवाब लिखता है उसने कहा लव अंजोरोला उम्मी ओ अभी मैं मेरा तम्रतिन सरकार अगर मैं सौ मरतबा अम्मा बाबा का चेहरा देखूं, तो हजूर ने फरमाया तुमने खुदा को गरीब समझा है तुम चेहरा देखते जाओ अल्लाह सवाब बढ़ाते जाएंगे जैसे अलुमा तो हज़ुल है। है उल फकर सही करते हैं आप जो हज पे नहीं जा सकते वो हर हफ्ते हज कर सकते हैं जुमा पढ़ के जुमा को कम ना शुमार करें। और इसी तरीके से जो हज पे नहीं जा सकते वो डेली अपने माँ बाप के चेहरे को देख कर एक बार नहीं कई बार हज कर सकते हैं अल्लाह ने खाने काबा आपके घर में रखा है आप तवाफ करके डेली हाजी ना बने इसमें शरीयत का तो कोई कसूर नहीं नर्सिंग होम में आप रहमत भेज रहे हैं नर्सिंग होम में आप काबा भेज रहे हैं नर्सिंग होम में आप जन्नत भेज रहे हैं खैर बात बहुत दूर न चली जाए टॉपिक ये नहीं है आज ये तो सिमरन बात आ गई और जरूरी भी है इस फर्श आजाद से असल हदफ तो ये करपल डिपार्टमेंट है कि अशरा खत्म हो तो पता चले कि वाक हमने मोहम्मद आल मोहम्मद के इंस्टीट्यूट से फर्श आजाद से साल भर के लिए इतना मटीरियल ले लिया है कि हम जन्नती बन के रहेंगे जहन्नमी बन के नहीं रहेंगे असल हदफ ये है इन अशरात मुबारकात का तो खैर बात बहुत तवील ना हो मैंने अर्ज किया पंद्रह जो खासा है सरकार सैयद सलाम का वो है अजाउल हुसैन और ये जो हदीस मैंने तीन पोर्शन बयान किए सरकार ने एक अजीब जुमला कहा हाजल हदीसो वाजिब है कि इस हदीस को जो मैं जाफर सादिक ने बयान किया है इस हदीस को सोने के साथ लिखा जाए ये इतनी अजीम हदीस है ये एक हदीस है मुबारक अजा उल हुसैन के बारे में दूसरी हदीस ये एक साहब है इब्न शबीब नाम सुना हुआ है इमाम अली रजा अम के ये साहबी है यबन शबीब फरमाया था ना यबन शबीब तबाकियन फल के लिजद अल गरीब अगर तुम रोना चाहते हो तो मेरे जद हुसैन से बेहतर कोई नहीं जिसके लिए रोया जाए रोना है तो मेरे जद के लिए रो। दूसरी तीसरी हदीस से मुबारक फरमाते हैं ये अपना इरफिल हुसैन, फाइन्न का ना शेरो व मा देखो फला तक सिर फी ये बड़ी अजीब हदीस है इसको जरा तवज्जो से आपने सुनना है हमारे ऊपर अक्सर लोग एतराज करते हैं कि ये सलाम कहां से आ गया ये मरसिया कहाँ से आ गया ये फला मुल्क में हम फुला अरब मुल्क में थे वहां तो नहीं था तो ये उमूमन कहा जाता है कि शायद ये हिंद वालों ने शुरू कर दिया तो आज इस हदीस मुबारक को सुनिए ए शबीब के बेटे इरफिल हुसैन जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं क़ुतुब जाम अहदी अनवार मिसबाहुल मिसबात और शेख मुफीद रहमत वगैरह इन कुतुब में से और वो किताब जिसका जिक्र मैं कल कर चुका हूं अफकोर्स उस किताब में भी बाकायदा आयतुल्लामा मुहमद हसन इस तबानाती ने ये जो नूर फी जियारत हुसैन है इसमें जियारत हुसैन उसमें भी ये पांच किताबों में मैंने ये हदीस आज देखी है जो आपकी खिदमत में पढ़ के अर्ज कर रहा तो तो इन पांच किताबों में लिखा है कि यमुना शबीब हुसैन शबीब के बेटे जब तुम मजलिस करो तो मेरे जद हुसैन का मरसिया पढ़ा करो ये इरसे का माना मरसिया पढ़ो पता चला मरसिया भी मासूम ने शुरू करवाया है हमने शुरू नहीं किया बिल्कुल ये पैटर्न भी जो मजालिस का आजकल पैटर्न है कि खतीब मेंबर पे बैठता है या कुर्सी पे बैठता है उस जमाने में तो कुर्सी नहीं थी तो इब्ने शबीब से कहा था कि यब्न शबीब इजलिस लिश अल कुर्सी वर्जी अल हुसैन इस कुर्सी पे बैठ जाओ और मेरे जद हुसैन का जिक्र करो वो जरा से घबरा गए कि मासूम इमाम नीचे बैठेंगे और मैं कुर्सी पर बैठूंगा तो जब उन्होंने हिचकिचाहट का इजहार किया तो इमाम ने एक जुमला कहा ये माल मजलिस है आज के लिए माल मजलिस ये जुमला है फरमाते है, हाजा शरफ उन जद्दी अल हुसैन ये शरफ अल्लाह ने जाकिर हुसैन को दिया है कि मासूम नीचे बैठेगा जाकिर ऊपर बैठे ये जो पैटर्न है ये दरअसल शुरू किया है हजरत इमाम अली रजा ने जो आज तक हमारे पास पैटर्न चल रहा है उससे पहले जो पैटर्न था वो इमाम शुरू किया था उसमें जरा सा जो इजाफा हुआ है वो इमाम अली रजाला तो सलाम ने किया अब ये जरा मुलाजा फरमा लें कि सिर्फ मरसिया पढ़ो अगर यहां तक हदीस होती तो मैं आपको जहमत ना देता मरसिया पढ़ो ये तो इमाम का हुक्म हो गया अच्छा ये भी समझ खालियतन अनिल करीनते, करीनतेदुल्लो अल वुजूब या इजाकान अनिल करीनते तदुल्लो अल तदुल ये हमने जो हमारा इश्तिहाद का कोर्स होता है जो हम पढ़ते पढ़ाते हैं उसमें बाकायदा ये एक कमांडमेंट है कि फेल अमर कमांडमेंट ऑर्डर अगर करीना से खाली हो उसमें करीना नदब करीना इबाहक सुन्नत का करीना रिकमेंडेशन का करीना ऑप्शनल होने का करीना अगर मौजूद न हो तो दाल वजूब है अब समझ में आई बात इमाम इमामजा इस्लाम ने फरमाया जब मजलिस करो तो इब्ने शबीब मरसिया पढ़ो यानी मरसिया पढ़ना वाजिब है ये कंपल्सरी है ये ट्यू है ये इमाम की डिमांड है ये इमाम की ख्वाहिश है पहले जमाने में ऐसी तकरीरें नहीं होती थी आपको भी याद होगा थोड़ा सा आप पीछे चले जाएंगे आज भी महराज किराम के पास आप तो शिवले जाए जो वहां अशरात होते हैं मुहर्रम के या सफर के वहां उमूमन ऐसे जाकिर नहीं होते वहां पर पांच दस मिनट के मसाहब पढ़ते हैं वो थोड़ा सा जिक्र शायरी में वो भी शायरी में गोया सलाम कह दें सोज कह दें दे, मरसिया कह दें वो करते हैं और चले जाते हैं गोया पैटर्न जो मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम का है बुनियादी तौर पर वो अशार से शुरू किया गया शेर की सूरत में खबो सोज हो खबो सलाम हो खबो मनकबत हो खबो मरसिया हो खबो नो तो ये मरसिया इसलिए मरसिया का एहिया बड़ा जरूरी है मैं आपसे गुजारिश करूंगा जब भी मजलिस हो तो उसमें सोजो सलामो मरसिया जरूर होना चाहिए और एंड में नोहा भी जरूर होना चाहिए क्योंकि इमाम की ये ख्वाहिश है मुजद इमाम जो हमारे जामिन इमाम है जो शाह है जो शाह जहान है वो ये एडवाइस दे रहे हैं कमांडमेंट बल्कि दे रहे ऑर्डर दे रहे हैं वो हमें वाजिब करार दे रहे हैं कि तुमने इस तरीके से मेरे जज का जिक्र करना है इरसल हुसैन के हुसैन का मरसिया पढ़ो अब आगे जरा देखिए क्या इल्लत बयान कर कल मैंने जो किताब का जिक्र किया था फलसफा अहकाम का दरअसल उस किताब का जो नाम है ये उर्दू का नाम है अरबी में उस किताब को कहते हैं ये शेख सदूक की है उन्होंने बाकायदा बाजार शराइत जिक्र की है सिर्फ नमाज की हम तो बहुत आसान ले, ले लेते हैं ना इजी ले, ले लेते हैं हमने तुजों दौर नमाज पढ़ी और गए चार हजार खदूद है उस नवाज की जो बारगाह है में याब होकर कबूल होती है तो ये किताब भी पढ़नी चाहिए इसका तो उर्दू में भी तर्जमा बहुत पहले हो गया जब मैं आ, बिल्कुल अर्ली स्टेजेस में था मैंने उस वक्त पढ़ा था तो ये जो इललु शराय है इसका एक खासा है आज समझ लीजिए इस किताब का एक खासा है वो आपको विच एंड वाई बताती है क्यों अब देखिए इमाम अलैहिस्सलाम खुद ई का तस्करा खुद फरमा रहे फरमाते हैं कि हुसैन अली के लिए मेरे जद के लिए मरसिया पढ़ो क्यों फिर होना व मादेह होना अगर आप मरसिया पढ़ेंगे तो अल्लाह आपको हम आल मोहम्मद का नासिर बना देगा मादेह बना देगा फला तक सिर्फ ही नसरे ना हमारी नुसरत में कोताही न करना मरिए का मजलिस में ना होना नुसरत आल मोहम्मद में कोताही के बराबर है जरा अंदाजा फरमाए आप ये जो हमारे बुजुर्गों ने ये पैटर्न शुरू किए हैं ऐसे नहीं शुरू किए हैं हां सराकी में भी मरसिया होता है पंजाबी में भी होता है संस्कृत में भी होता है गुजराती में भी होता है अब इंग्लिश में भी हो रहा है तुर्की में भी है फारसी में भी है अरबी में है ये बैरियर नहीं है लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है मगर मरसिया होना चाहिए इसलिए कि मरसिया खान हमारा नासिर है सुबह अल्लाह मरसिया खान हमारा मादेव है हम आले मोहम्मद चाहते हैं कि मरसिया में कमी करके हमारी नुसरत में तकसीर ना करो कोताही न करो कर। लिहाजा ये हदीसे शरीफ भी आ गई और बहुत हद तक हमारी जो मंजिल है खादे की बाबत और खासे की बाबत बड़ी करीब होती जा रही है एक हदीसी शरीफ और सुन लीजिए यमुना शबी अगर सर्रा का अगर तुम चाहते हो अंतुना माना दराजा तिल जन्नते ले वाल ले फ्राहरा अगर चाहते हो इब्ने शबीब के कयामत के दिन तुम्हारे मकान हमारे मकानों के साथ हो तुम हमारे नेबर होना चाहते हो तो हमारी खुशी में खुशी किया करो हमारी गमी में गमी किया करो मौलि फरमाते शियत होना खोले को ले तीन तफरा फराहे ना यह हजनू ना ले ना हमारे शिया हमारे बचे हुए खमीर से पैदा हुए हैं तभी तो उनके जमीर में है कि जब हम खुश होते हैं तो वो खुश होते हैं और जब हम गमगीन होते हैं वो महजूल शबी एजाज सर्रखा यानी लव सर्रखा अगर तुम चाहते हो अंतल के अल्लाह अजल यो मल क्यामत वाला जंबा अलैक अगर तुम चाहते हो कि क्यामत के दिन अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करो कि तुम्हारे नाम अमाल में एक गुना भी ना हो फजर हुसैन हुसैन की ज्यारत पढ़ो ये ऐसे नहीं आप ज्यारत पढ़ते ये जो आप ज्यारत पढ़ते हैं देखा नहीं आपने पांच मिनट की मजलिश को मैयत के अभी जो आज जैदी साहब के लिए मसलन पहली पांच मिनट की मजलिश थी उसके बाद क्या होता है कि ज्यारत पढ़ो ज्यारत इसलिए पढ़ो कि तुम जब अल्लाह को मिलोगे कयामत के दिन तुम्हारे नाम अमाल में कोई गुना नहीं होगा अल्लाह अकबर जैसे खुबे आल मोहम्मद गुनाहों को पिघला देती है जला देती है खा जाती है उसी तरह जियारत इमाम हुसैन गुनाहों को हमेशा के लिए खत्म कर देती है यूं कहूं अल्लाह के सामने जो शर्मिंदगी से बचाने वाला आला है उसका नाम जियारतुल हुसैन है क्यामत के दिन बंदा हो जाएगा। अम हिली नाम सुना हुआ है ना आजकल तो खैर हमारे यहाँ हर दूसरा बंदा ही अल्लामा है जी जितना हमारे पाकिस्तान वालों ने जुल्म किया है लफ्ज अ पर एक हमारे बुजुर्ग थे मौलाना गुलाम अस्करी वो हमारे पास मेहमान भी रहे रहमत कुम में जब मैं होता था अलामा जी साहब के जो फर्जन थे वो भी मेरे पर खुरदान है वो मेरे गरीब खाने पर ही रहते थे तो मौलाना गुलाम अस्करी आए तो इन्होंने कहा कि भाई हम आपके यहाँ थोड़ा सस्ताना चाहते हैं रहना चाहते हैं मैंने कहा आइए तो मैंने उनको कह दिया कि अलामा आइए चाय तैयार है तो फौरन कहने लगे कि मैं जब आ रहा था जहाज में एक दफा बॉम्बे से कराची तो मैंने जंग अखबार पढ़ा तो फ्रंट पेज पे बड़ा सा एक इश्तिहार था वन एट्थ का जिसमें लिखा हुआ था कि अलामा गुलाम अस्क्री ऑफ लखनऊ खिताब करेंगे तो मैंने मेम्बर पर बैठते ही कहा कि किस किसम ने यह उड़ा दी है कि मैं बहुत अनपढ़ हूं इसलिए कि अलामा का मतलब बहुत अनपढ़ होता है हमारे में अल्लाह महफूज रखे आजकल तो खैर अलामा अगर अमामा कहें अः सुन लीजिए आज मुझसे ये महफूज फरमा लीजिए मैं हौजा का तालब इम हूँ इबन हौजा हूं मैं अलहमदुल्लह मेरी सारी उम्र हौजे में पढ़ने पढ़ाने में गुजर गई आज तक अल्लाह के फजलो करम से तो मा अगर आप मुतला कहें ना काल अमा तो फिक में सिवाय हिली के कोई अलामा माने पैदा ही नहीं हमारे शिया मजहब में सिर्फ एक अलामा है फिका उसका नाम ही है अलामा हिली अलामा हिली जब दुनिया से चले गए तो उलमा का एक वतीरा है कि वो अपने शागिदों को अपने रिश्तेदारों को अपने अजीजों को अपने बलखदारों को खाब में आकर कुछ बताते हैं ताकि फ्यूचर के लिए एक गाइडलाइन मिल जाए तो कहा शागिर्दो ने कि आगा साहब जरा जल्दी बता दीजिएगा तो फरमाने लगे अगर आने दिया तो जरूर आएंगे वो पहली रात ही आ गए पहली रात ख्वाब में आ गए एक को नहीं कही एक को उन्होंने पूछा कि कैसे मुनकर का मरहला कैसे गुजरा तो उन्होंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं चला उनको नकीर के मरहले का हमें तो ही नहीं, नहीं हुआ कहते वो कैसे कि दो चीजें हमें बचा गई क्या क्या किताबुल अलफैन वेरे बुजुर्गो मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों माओ बहनों बेटियों आज मुझसे ये जहन में रख लीजिए किताबुल अलफैन में क्या है अब तो इसका तर्जमा हो गया है उर्दू में भी अगर वो ऐसा हुआ है कि बस वो ऐसे लगता है मुतासिब नहीं, नहीं, नहीं तो उस्ताद ने पुराने जमाने में हमारे भी मुतासिबीन के पास पढ़ते थे क्योंकि वो हमारे पास एक्सपर्ट नहीं होते थे आईम मै नाहफ आय मैं नहव, बदी आयम मै मानी आय मै बयान आय मै मंतका आयम माय फलसा अब अलहमदिल्ला शुक्र खुदाए हमारे पास वो आके पढ़ते हैं अल्हद ये हमारे मस्जिदों के इमाम है वो हमारे अलमहदी में आके मेरे पास पढ़ते हैं अब अब लेवल बदल गया है मैंने कहा था एक दिन मैंने कहा हल जजाउल एहसान अल एहसान कुछ सदियाँ तुम पढ़ाते रहे कुछ सदियाँ अब हम पढ़ाएंगे ताकि एहसान का बदला चूक जाए तो खैर अलाम हिली मुतासिब उसाद के पास पढ़ते थे उस उस्ताद ने एक हजार दलील मौला की विलायत के खिलाफ लिखी एक हजार दलील ये बड़ा काम करते हैं ये जो तकफीरी है मुतासिब है नजदी है ये बड़ा काम करते हैं तो उन्होंने जिक्र किया उस्ताद ने कि ऐसे ऐसे हिली तेरे इमाम के खिलाफ इन्होंने कहा एक रात के लिए मुझे किताब दे दे मैं इसका जवाब लिखूंगा और वहां से अहद करके निकले कि या साहिब जमान मेरी फरमा दे आगे बेचारे लिखने बैठे तो साहे ना इंसान है घबरा गए सो गए थोड़ा से आंख लग गई अब जो उठे तो परेशान हो गए कि हजार जवाब तो लिखा नहीं कल तो किताब वापस करनी है जब वो किताब देखी तो किताब सारी लिखी हुई थी हजार जवाब पूरा लिखा हुआ था और नीचे दस थे हाजा को तब माह तो ये किताब थी अलफेन यानी हजार दलील इन अमाल इसका नाम है असा वाल इतमाम ये ना सोचना कि ये प्रोजेक्ट कैसे कामयाब होगा आप शुरुआत कर दे इंतहा करने वाले वो खुद है और अल्लाह की जात है आप नियत करें तकमील वो फरमाएगा तो एक तो यह किताब हो गई ये तेरे मौलाम के हक में हजार दलील शाबाश बेटा तो हज़ार दलील उस मलमूम की थी हजार दलील इस मरहूम ने दी तो ये दलील इतनी पसंद आ गई कि कब्र के अंदर मुनकर का मरहला सक्सेसफुल हो गया एक फिफ्टी परसेंट उस किताब अलफैन की वजह से फिफ्टी परसेंट जियारतुलसैन एक बहुत बड़े आलिम गुजरे मुज्तहिद बहुत बड़े आयतुल्लास्म शेख इब्राहिम मलकुती ये बहुत अजीमबत मुज्तहिद थे आयतुल्लास्म आगे बहजत की तरह अपने जमाने के आरिफ बिल्ला थे उस्ताद काजी के शागिर वो भी आरिफ बिल्ला थे एक हमारे हजरत आयतुल्ला सैयद अली गरवी गुजरे हैं उन्होंने अपनी किताब में यह जुमला लिखा है उन्होंने एक किताब भी लिखी है बिस्मिल्लाह के बारे में पूरी किताब बिस्मिल्लाह पे उन्होंने लिखी है तो वो लिखते हैं कि मैंने आलम रोया में आलम खाब में एक मरतबा मैंने मलकुल मौत को देखा और मैं हैरान हुआ कि मलकुल मौत तो कभी किसी के पास मुतबसिम नहीं आते ये आज स्माइलिंग कैसे आ गए मेरे पास तो मैंने ऐसे पूछ लिया जोहर के बाद मैं सोया था कहलूले के लिए मैंने पूछा कि आज तो आप मुतबसिम हैं मलकुल मौत ये तो बड़ा अजीब है कहीं क्यामत तो नहीं आने वाली उन्होंने कहा नहीं क्यामत नहीं आने वाली आज आपके क्लास फैलो, आपके दोस्त आयतुल्लाह, शेख इब्राहिम मलकूती तबरेजी की रूह को कब्ज करके आ रहा हूं इसलिए खुश हूं तो उनको किस हाल में पाया है तो कहने लगे उनकी रूह को जन्नत में छोड़ के आ रहा हूं तभी मुतबसिम आया अब ये उनको खाब में मिले यानी क्लास फेलो ये इनके क्लासमेट खाब में मिले को मलकूती खाब में मिले तो इन्होंने पूछा कि बड़ा दर्जा पाया बल्कि वो जरा पहले जुमला सुन लें इन्होंने मलकुल से पूछा कि बताइए जाहिर मुश्तहद थे किताबें लिखी दर से खारिज पढ़ाया बहुत नेक थे मस्जिदें बनाई इमाम बारगाह बनाए जिक्र हुसैन कराते थे तो कौन सी चीज सबब बन गई कि तुम भी खुश हो मलकुल मौत और उन्हें जन्नत में छोड़ के आ रहे हो तो उन्होंने कहा जियारतुल वजह से कोई समझ रहे काजी जो इनके भी और उस्ताजुल असातजा मराजह के उस्ताद थे आयतुल्लाह काजी को किसी ने खाम में देखा और उनसे पूछा कि आपकी कोई हसरत रह गई कह लगे हाँ एक हसरत रह गई चौबीस घंटे में एक मरतबा जियारत आशूरा पढ़ते थे काश एक से ज्यादा पढ़ते तो एक बात आज ध्यान में रखेंगे आज के बाद आप सारे के सारे जियारत के पाबंद बन जाए ताकि दुनिया भी अच्छी हो जाए कब्र भी अच्छी हो जाए पुलिस रात से भी गुजर जाए मुहासमों में भी तकलीफ ना हो मुनकरो नकीर भी अजियत ना दे रकीबो अतीत भी अजियत न दे और मैशर में, में भी कोई तकलीफ ना हो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचे तो सुरखुरू पहुंचे ये अजा उल हुसैन बेसिकली अजा उल हुसैन ये एक अजीब कीमिया है क्या कहा अगर चाहते हो इस हाल में अल्लाह को मिलो कयामत में कि कोई गुना दा। तुम्हारे दामनगीर ना दा। हो तो फजोर हुसैन तो हुसैन की जियारत करो वायजा सर्रका अनतूना मा मुहमद व आल मुहमदिन सल्लाम फिल अलमीय अगर चाहते हो बजू मबनिया कि कयामत के दिन उन घरों में रहो ये तो ये था ना कि नेबर बनो, उन घरों में रहो जिनमें मोहम्मद वाले मोहम्मद है हजूर के साथ रहो अली के साथ रहो हसन हुसैन के साथ रहो बीबी एम -बी बीबी फातमाओ जैनब मोमी कुलसूम के साथ रहें अगर ये चाहते हो तो फिर जिक्र हुसैन के लिए हुसैन, फिर हुसैन के लिए रो हुसैन के लिए रोने वाला के दिन चौदह की माइत रखता होगा अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपको यूं माशूर करे कल, कल उस शहदा माल हुसैन कयामत के दिन तुम सुहादाय क़रबला के जुमरे में आओ जिस सफ में शोहदाय करबला खड़े हो, होबीफ अगर तुम चाहते हो सोहदाय करबला हुर के साथ हबीब के साथ मुस्लिम के साथ आप खड़े हो एक सफ के अंदर तो क्या कहें फल या लि कुम फूज अजीमा तो इस जुमले को रिपीट करते रहो जिंदगी भर काश में करबला में होता तो मैं भी फौज अजीम होता कयामत के दिन अल्लाह आपको शोहदाय करबला की सख में खड़ा कर दे कुछ रहे हैं कि हुसैन तक पहुंच रही है मासूम का जुमला जरा तवज रखी कि कई मासूमीन से इसलिए मैं मासूम कह रहा हूं मासूम का जुमला किसी ने पूछा मास मजलिस जद्दे का यबना रसूल अल्लाह रसूल के बेटे हैं आपके जद हुसैन की मजलिस का बुका का बुकाउल हुसैन का जिक्रुल हुसैन का कितना सवाब है आपने फरमाया हे या यानी मजलिसुल हुसैन हे होवा माफ करना होवा मजलिसुल हुसैन होवल जन्नतो बेअनहा सवाब यह है कि तुम जिस मजलिस में भी जाते हो अल्लाह उसे जन्नत बना देता है वो मजलिस नहीं रहती जन्नत उल बन जाती आप ये जो एक घंटा सवा घंटा डेढ़ घंटा दे रहे हैं आप ये मजलिस में भी हैं और आप जन्नत में भी बैठे मौलारी का इर्शाद मुझे याद आ गया फरमाते हैं अल जुलूस फिल मस्जिदे आपके लिए तो खुशकस्मती से ये मस्जिद बन गई हमारे ऊपर खुशक एतराज करते थे लोग कि शियों की मस्जिदें नहीं होती मस्जिदें हैं क्यों नहीं अलहदल्ला मस्जिदों को आबाद भी हम कर रहे हैं अल्लाह के फजलो करम से क्योंकि प्रॉपगंडे इतने ज्यादा किए गए कि हमारे यहां अलहमदल ये मस्जिद माशा वन ऑफ द बेस्ट सेंटर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका है अल्लाह बानियान को भी भीजर जजा दे डोनर्स को भी अजर दे भींटियर्स को भी अजर जजा दे और आप हजार मुहतरम को भी अजर दे और आपको तोफीक भी दे कि आप फाइनेशली भी अली मस्जिद अली की मदद फरमाए जजाक हो खैर जजा ये हदीस मुबारक सुने अल जुलू सफिल मस्जिद जो मस्जिद में जब आप आते हैं ना आपने देखा होगा आज भी मैं जब जोर में आया तो पहले मैंने दो रकत नमाज पढ़ी ये दौरक नमाज तहैया मस्जिद है ये सुन्नत मददा है आपने तहियतन इंदिल्ला आपने जब भी आना है उस हाल में तो आपने दौरक जरूर पढ़नी है आपको पता है ये मस्जिद में जो आप नमाज पढ़ते हैं दो का ये क्या है तहैया मस्जिद हा मैंने खुद में भी अर्ज किया था हा जो हलवे वाली हा होती है उसका मतलब होता है सलाम करना ग्रीटिंग आप सलाम कर रहे हैं मस्जिद पर और आप हैरान होंगे आपको मस्जिद के बिहाफ पे आपका खालिक जवाब देता है आप जब दो रखत पढ़ लेते हैं आपको अल्लाह जवाब देता है एटिकेट्स भी हमारे जवानों को बुजुर्ग तो खैर जानते हैं जवानों को एटिकेट्स भी मालूम होने चाहिए कि आप जब मस्जिद आ रहे हैं तो दो रखत पढ़ेंगे सलाम करेंगे मस्जिद पर आपको अल्लाह जवाब देगा आप देखिए जब आपने दो रखत नमाज पढ़ ली और अल्लाह ने कह दिया सलाम तेरे लिए सलामती हो तो क्या आप समझते हैं बंदे अपनी जबाने बदलते हैं अल्लाह तो जबान नहीं बदलता ना जब अल्लाह ने कह दिया तेरे लिए सलामती हो तो मुसीबत कैसे नाजिल करेगा सलामती ही सलामती रहेगी एक हदीस शरीफ और समात नजारत फरमा लीजिए बस धीरे धीरे हम बहस को तमाम करें वक्त तकरीबन खत्म हो रहा है वो ये है कि नौ हु लिल हुसैन और करें मासूम इमाम सादिक के सादिकुमले नौ लिल हुसैने ले मेरे जद हुसैन के लिए ऐसे नोहा पढ़ो जैसे वो जईफ औरत नोहा पढ़ती है जिसका जवान बेटा मर गया अब आपको समझ आ गई नोहा भी इमाम का हुक्म है फिर वही अर्ज करूंगा ये भी फेल अमर है वो मुफरत था ये जमा है वो मरसिया का मुफरत था इब्ने शबीब के लिए हमें समझाया गया ये तो जमा है ऐशियो है पढ़ो मेरे जद हुसैन के लिए जैसे के वो औरत लोहा पढ़ती है जिसका जवान बेटा मर गया अब आपको अंदाजा हो गया अजा उल हुसैन के ये सारे टॉपिक सारे खास से खुदा शाहिद तिश्ना है यानी एक एक खासे पर पूरा अशरा पढ़ा जा सकता था पूरा अशरा मगर मैं चाहता हूं हमारे हौजे की असिलाह है माला युदरक को कुल्लो, लो ला युरा को कुल्लो। अगर सारा आप पढ़ न सके, तो सारा छोड़े भी नहीं कुछ तो बयान कर दे मैं कुछ बयान कर रहा हूँ शिरज मत उन खलीला तुन मैं बा, बाहर में से कतरा पढ़ रहा हूँ बाहर में से समंदर में से कतरा पढ़ रहा का बस तकरीर आखिरी मरल में आ रही है एक हदीस और सुन ले। लिखी तो मैंने बहुत थी याद तो मैंने बहुत की एक और सुन ले। सरकार ने कहा कि इन शेदू जद्दी हुसैन कुछ लोग आए आपने फरमाया कि मेरे जद के लिए शेर कहो ये मनकबत जिसे आप कहते हैं ये सोजो सलाम जिसे आप कहते हैं मेरे इन शाद का मतलब होता है शेर कहना शेर कहो मेरे जद के लिए हुसैन के लिए सलाम शेर कहो तो रावी कहता है मुफरद एक पे जमा इन शिजत दी मेरे जत के लिए तू ए रावी ए मेरे शगिर तू शेर कह वो कहता है अनशत तो मैंने इमाम हुसैन के हक में अशार पढ़े सरकार ने फरमाया ऐसे नहीं इन शू कमा शूना इन दबरे वैसे पढ़ो मेरे घर में जैसे तुमने करबला में मेरे जद की कब्र पे पढ़े थे वो कैसे पढ़े थे अस कर यहां तो वो तातुल लफ्जी पढ़ रहे थे एक होता है ना लफ्जी मरसिया तातुल लफ्जी पढ़ रहे थे वहां ने मिल के पढ़ा था आवाज के साथ जैसे ये हमारे आज आपने देखा या हमेशा आप देखते हैं जो मरसिया वाले कोया इमाम की यह ख्वाहिश है कि तातुल लफ्ज भी पढ़ो और मिलके आवाज के साथ भी पढ़ो हम चाहते हैं हमारा जिक्र डेकोरेट रहे हमारे जद हुसैन का अच्छे अंदाज में होता लीजिए आज मैंने साबित कर दिया इंशाद भी शेर कहना भी सोजो सलाम भी मनकबत कसीदा भी नौहा भी मरसिया भी इनशाला फिर आइंदा की फुरस्तों में अगर वक्त मिला तो और अहादीस आपकी खिदमत में पेश की जाएंगी और आज मैं दो छोटे छोटे अर्ज करना चाहता हूं एक वाक है उज़मा सैयद हुसैन का। आप जानते हैं जो बुजुर्ग हैं उन्होंने तो तकलीफ भी की होगी सैदुल मराजह थे वो बुरो से कु आ गए थे जब जमाना शेख का खत्म हुआ मुआसर से हौजा का ये जो हमारे मराजे हैं इन सब के मराजे जो पिछली सदी में गुजरे हैं सब के वो उस्ताद थे सैयद मराजे उस्तादुल मराजे एक शागिरद हैं उनके वो मेरे उस्ताद हैं आयतुल्ला हिल उज़मा शेख हुसैन मज़ाहिरी आजकल वो हौजिया इस फहान के सरबरा है मर जाए तकलील है उन्होंने नकल किया मुझे नहीं पूरी पांच सौ तलबा होंगे पांच सौ तलबा के सामने बयान किया हमें भी जाहिर है बताया उन्होंने उन्होंने बताया कि एक रोज हमारे उस्ताद आए हैं सैदर्दी और वो पहली सीढ़ी पर जैसे मैं यहां बैठा हूं वहां बैठ के दर्श देते थे वो निचली सीढ़ी पर बैठ गए और दर्श कहने की बजाय से खारिज देने के बजाय रोने लग गए तो थोड़ी देर रोते रहे रोने के बाद पूछते हैं कि आय मेरे नूर है चश्म मुझसे पूछोगे नहीं कि मैं आज दर्श क्यों नहीं कह रहा हूं रो क्यों रहा हूं तो हमने कहा फरमाइए उस्ताद तो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि कल रात मैंने ख्वाब देखा कि जैसे महशर बपा है क्यामत आ गई है तो मैंने देखा कि दाई तरफ से एक दरवाजा था उस पर लिखा था बाबुल मुश्तों का दरवाजा तो मैं जाहिर लाइन में लग गया वहां इमाम जाफर अलैहिस्सलाम खड़े थे वो मुश्तह को इशारा करते है वो मुश्तिद जन्नत में चला जाता बाबुल फुका मैंने देखा कि अभी तक शेख मुफीद की बारी नहीं आई थी तो मैंने कहा मुझ तक पहुंचते पहुंचते तो पता नहीं कितना वक्त लगेगा बहुत स्लो जा रही है ये लाइन मैंने लेफ्ट साइड पे देखा तो वहां देखा कि वहां लाखों लोग बगैर रोक टोक के जा रहे हैं मैं जो वहां उस लाइन के करीब पहुंचा तो सामने देखा कि इमाम हुसैन अल्लाम खड़े हैं वो जो इशारा करते जा रहे हैं और लाखों लोग जा रहे हैं। मुझे इमाम हुसैन स्लम ने पहचान कर कहा बुरुजर्दी पहुंच गए मैंने कहा हाँ सरकार पहुंच गया हूं तो मैंने कहा कि अली मिन हाजल इजाजत देंगे सरकार कि मैं इस दरवाजे से दाखिल हो जाऊं तो फतहब सरकार ने कहा नहीं ये दरवाजा सिर्फ मेरे अजादारों का है ये मेरे मातमियों का है ये मेरे नौहा खानों का है ये सोजो सलाम पढ़ने वालों का है ये मनकबत पढ़ने वालों का ये इंशाद शेर वालों का ये बर्तन धोने वालों का ये झाड़ू देने वालों का ये न्याज पकाने वालों का है ये बानियाने मजालिस का है ये जाकिरीन का है सुबह अल्लाह कहने लगे आज के बाद मैंने तय किया है कि हर दर्ज से पहले पांच मिनट बजले से हुसैन पढ़ूंगा ताकि जाकिर हुसैन बन जाऊं इस दरवाजे की बजाय उस दरवाजे से गुजर जाऊं जो सरय दरवाजा अब समझ में आई बात ऐसे नहीं है हमारे इमाम ने कहा कि लना अब बाब हम सब के बाप है बल्कि हम खुद बाप है हम जन्नत के सारे खुद बाप हैं रहमत के खुद बाप है अम्मा बाब जद तेयल हुसैन औन्ना मगर हमारे जद हुसैन का दरवाजा हम तेरह से ज्यादा वसी है कुल्लो ना सुफनजात हम सारे के सारे चौदह के चौदह

ये मेरे हमसाये भी थे आयतुल्ला हमीदरी ये इमाम खुमैनी नवर उदह शरीफ के पास आशूर के दिन मजलिस पढ़ते थे सालाना हमेशा नजफ में भी फिर कुम में भी और फिर तेहरान में भी हमेशा और जब वो जहर मजलिस टी वी पे नशरू की इनकलाब के बाद, तो जब वो कहते हैं ना या, या बाबा रसूल यब ना अमीर उलमोमिनी यब या, या, या फातिमा अब तो इमाम खुमैनी समेत सब फूट फूट के रोते धाड़े मार के रोते वो फरमाते हैं एक रोज मैं गाड़ी पार करके अपनी पहाड़ी चढ़ रहा था हुसैन जमरान में इमाम खुमैनी की खिदमत में मैलिस पढ़ने के लिए फिर रास्ते में मैंने एक झोंपड़ी देखी एक छोटा सा खेमा छोटे छोटे बच्चों ने एक मजलिस कायम की थी टेप वहाँ लगी थी लोहे चल रहे थे तो बच्चों ने मुझे मेरा दामन थाम के कहा हबीशे मजलिस से रो असामी खूनी गाह शुदे के मजलिस से फकर हम बेखून ऐ अमीरों के मजसे पढ़ने वाले कभी गरीबों की मजलिस भी पड़ी है तो मेरी तो आंखों से सैलाब जारी हो गया आंसुओं का आशूर का दिन था मैंने कहा मैं तो आजादारा ने हुसैन का नौकर हूँ खा के पाओ मैं आगा के पास से मजलिस पढ़ के वापस आके तुम्हारी मजलिस पढ़ूंगा मैंने उस खेमे में बैठ के मजलिस पढ़ी मजलिस पढ़ के मैं कुम चला गया शाम गरीबा की मजलिस पढ़ के मैं सो गया मैंने आलम रोया में, में मादर हुसैन को देखा जो कहती है मां अस्तमा में मजाले से आशूरा उन मजले से बच्चा हारा बीस्तर पसंदी थी बेटा सयिद थे ना कौसरी हमने तुम्हारी सारी मजलिसों में से वो जो बच्चों वाली मजलिस थी उसको ज्यादा पसंद किया सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह फिर बीबी कहती है कौसरी चेहरा उन चाय बच्चा हारा ना खुरदबू थी बच्चों ने जो इस्ते में चाय थी दी थी वो तुमने क्यों नहीं पी थी मैंने कहा मादर जान चाय सर्द चायदर जान, चाय ठंडी थी बीवी कहती है कम लुत्फी कर दी तुमने अच्छा नहीं किया उन चायरा मन बदस्ते खुद दुरुस्त दो वो चाय मैंने अपने हाथों से बनाई थी बस मजलिस सुबह अल्लाह इतम पजीर हो गई यहाँ पर ये मेरी बहने बेटियां जब न्याज बनाती है ना समझ लेना किसी न किसी एटम पे फातिमा के हाथ जरूर लगते हैं मेरे भाइयों जो न्याज आप लाते हो ना अगर एक ऐटम पे भी फातिमा के हाथ लग जाए तो न्याज कबूलोगे अल्लाह अकबर अजीजो माए हमेशा तावीज़ पहलाती हैं के बच्चे बच जाए करबला की अजीब माए थी वो बच्चों को ताबीज पहना रही थी कि बच्चे भर जाए पहुंच गए ना हाँ जब इमाम हसन को जहर मिला था ना तो इमाम ने कहा था उम्मे फरवा जरा मेरे कासिम को मेरे सीने पे लेटा था कासिम तीन बरस के थे तेरह बरस के थे करबला और इमाम हसन की चार औलादे हैं चार औलादे आज ही के दिन तरह जरूरी है इनका एक हसन मुसन्फ जो करबला में यजीदी फौज उनको समझ गई थी कि मर चुके हैं शहीद हो चुके हैं और उनको छोड़ के चले गई कोई काफिला आया था वो तो बच गए जख्मी थे वो काफिला उनको मदीने ले गया और उन्ही से हसनी सादात तबाह तबाही सादात कुछ गीलानी सादात उन्हीं की नस्ल से पैदा दूसरे बेटे का नाम था अबू बकर इब्ने हसन ये शहादाए करबला में इनका नाम है बकायदा मैं जो अर्ज़ किया था कि जो असामी मुबारक मैं इमाम हुसैन के पाकीजा रोजे से 122 लिख कर ले आया था वो 122 के 122 में हजरत अबू बकर इब्ने हसन मुज्तबा का नाम मौजूद है और मैं अगर आप रो रहे हैं मगर हदिया देने में कोई हर्ज नहीं मैंने ये तजर्बा किया है बहुत कम दफा मैंने जब वो सारे नाम पढ़ के ज्यारत है आशूरा पढ़ी है ना तो आशूरा पढ़ने से पहले वो काम हो गया वो जो सारे नाम एक सौ बाईस नाम ये दूसरे बेटे हैं तीसरे बेटे वो बाद इसशहाद इमाम हसन दुनिया में आए उनका नाम है अब्दुल्ला और अब्दुल्ला वो है जो तो तकरीबन दस साल के थे वक्त आखिर जब हुसैन गरीब ने इस्तेसा किया था ना तो जो बच्चे हुसैन गरीब की मदद को निकले उनमें से एक अब्दुल्ला भी थे रावी कहता है जब अब्दुल्ला दौड़ते हुए आए ना आगोश अम में अम्मू की आगोश में तो एक जालिम ने ऐसा जोर का तीर मारा कि हसन का लाल आगोश अमू में शहीद हो गए रुकुम अल्लाह तीन बेटों का जिक्र आ गया एक बेटा बच गया था तीन शहीद हुए हैं करबला के शहीदों में तीन है अल्लाह अकबर ज्यादा जो तकलीफ दे शहादत है वो हजरत कासिम की उसकी चंद वजुहत है ये हमारी बहने बेटियां हमारी माए भी बचपन से मैं देखता हूं कि ये मन्नत आज की शब में जो मन्नत उठाती है ना वो यकीनन पूरी होती आज की शब में जो मन्नत है वो यकीनन मेरे एक मजहब के मुश्तः आयतुल्ला हाफिज रियाज हुसैन साहब किबला मैंने लंदन में उनसे पूछा था मैं भी अशरा पढ़ रहा था मैंने कहा किबला ये बताइए कि मुझसे ये फरमाइश की गई है कि मैं मेहंदी पढ़ू मेरी तहकीक नहीं है तो उन्होंने फरमाया था कि बेटा ये पढ़ देना कि मेहंदी की फरमाइश करने वालों बहने मेहंदी तो बनाती है मगर उसके लिए पानी की जरूरत होती है जिनके पास असगर को बचाने के लिए एक बूंद पानी न था अज़रुकुम मल ये हसरत थी हमारे फुकाहा कहते हैं करबला हसरत है जो काम करबला में नहीं हो सके वो हम करते हैं ये हसरतों की आमाजगाह है करबला बहनों की हसरत है हसरत थी लैला की अकबर के सर में सेहरे देखे हसरत थी रुबाब की कि हंसलियों वाले को चलता देखे हसरतें हैं ये अल्लाह अकबर जब इमाम हसन के सीने पे उम्मे फरवा ने सुलाया था कासिम को तो कासिम हुमक के जमीन पे गिर गए मुकर्र कहा मौला पहले भी मैं सुलाती थी कासिम कभी जमीन पे नहीं गिरे काउ में फरवा मेरे सीने में जहर ने आग लगा दी मुझे जहर हिलाहल दिया गया है और मेरे चिगर के टुकड़े कट कट के बाहर आ रहे फारसी खतीब ने पढ़ा था अजीब दुमला और हमारे एक आगा भी है मेरे बचपन के दोस्त भी है आगाली हुसैन उन्होंने भी बाकायदा वहां से लेकर ये जुमला पढ़ा था और अजीब जुमला है ये मादर ए कासिमन एहसान कुन। कासिम की माँ मेरे ऊपर एक एहसान कर मेरी बहने आ रही है कत आहा ये जिगर ए मरा पिनहान मेरे जिगर के टुकड़े तूने ने में रखे इनको जरा छुपा ले मेरी बहन जैनब न देखे मेरी बहन उम्मे कुलसूम न देखे अभी बीबी कोशिश कर रही थी पिनाहा करने की इतने में बीबी जहन आ गई कहती है भाभी ये टुकड़े न छुपा। मैंने बाबा के सर पे पटिया बांधी अम्मा के पहलू पे पटिया बांधी माशाल्लाह हजरक मल अल्लाह सुबहान अल्लाह अल्लाह से बाये गम आले मोहम्मद के किसी गम में न रुला माशाल्लाह बस अजीज हो ये सोच रहा हूं कि ये पढूं या ना पढ़ू बात बर्दाश्त नहीं होता एक मरतबा कहा कासिम को तुम्हें फरवा भेज दे ये पहले आने से पहले मेरी बहनों को इतला कर दे कहा ये कासिम बच्चा है कैसे बताएगा कहा मेरे करीब कर दे मैं इसकी यतीमों वाली निशानी बना देता हूं क्या किया थोड़ी सी खाक उठाई कासिम के सर में डाल दी दाएं तरफ की बाएं कर दी बाएं तरफ की दाएं कर दी बस शक का जय बहू बर्दाश्त कर सके तो बर्दाश्त कर लेना इतला देने के लिए कि ये बच्चा यतीम है गरेबान चाक कर दिया कासिम का गरेबान दो मरतबा चाक हुआ एक मरतबा बाबा ने किया कि मेरी बहने समझ जाए ये बच्चा यतीम होने वाला है एक मरतबा हुसैन ने करबला में किया इन जालिमों को यतीब समझ के कुछ रहम आ जाए या जाहरा सुबहान अल्लाह एक तावीज दिया था मैं फरवा अगर मेरे कासिम को मेरा भाई करबला में इजाजत न दे तो यह तावीज खोल के मेरे भाई को दे देना वो वक्त आ गया तावीज़ देखा हुआ में इजाफा हुआ और बार बार कहते भाई आपको मेरी गुर्बत का इतना है। उसमें तहरीर यही थी कि भाई जब करबला में कुर्बानियां पेश हो तो मुझ गरीब की कुर्बानियों को कबूल कर लेना और मेरे कासिम को इजाजत दे देना अल्लाह अकबर अब मैं जुमला पड़ रहा हूं हकीकत ये है कि इसी पे मातम हो जाते हैं अमूमन फल एक मरतबा हुसैन कुर्सी से उठे अपने भतीजे को गले लगाया बर्दाश्त करेंगे फलक या वोशी आल है सामने जैनब भी देख रही है उमे फरवा भी देख रही है कुलसूम और बाबुल भी देख रही है फातिमा कुमरा भी देख रही है दोनों मिले हैं फसोके मिलते ही दोनों चचा भतीजा नीम बेहोश होकर जमीन पे गिर गए जब कोई बेहोश होता है उसके चेहरे पे पानी छिड़का जाता है अब सादात ने सोचा कि पानी तो मौजूद रही हुसैन इब्ने अली से जैनब लिपनी कासिम से अब्बास लिपने जैनब के आंसू हुसैन के चेहरे पे पड़े अब्बास के आंसू कासिम के चेहरे पे बहान फाका हुआ रश से फाका हुआ बर्दाश्त कर सकेंगे फ नजर अल हुसैन हो नजर इमाम हुसैन ने बड़ी अजीब निगाह की सर सिपाओ तक देखा कहा तुम हु बहू हसन हो जब मैं अपने भाई हसन के लिए उदास होता तो तो तुम्हारा चेहरा देखता था मेरे लाल तुम भी जाते हो बिस्मिल्ला कह के इला पढ़ के सवार किया जीन पे खुदा की कसम यह रिवायत है कि कासिम इतने छोटे थे कि रिकाबों में पांव नहीं पहुंच रहे थे। कासिम चले कासिम चले अजरक शामी के बेटों को तहतेख किया खुद अजरक को भी जब बड़े बड़े सूरमाओं को कासिम ने तह तेख कर दिया तो इन जालिमों ने सोचा कि इस तरह तो ये हमारी सारी फौज को खत्म कर देगा शहजादा चारों तरफ से जालिमों ने शहजादे पे वार किए अगर बर्दाश्त कर सको तो जुमला मैंने अरबी का पढ़ा है तर्जमा मैं कर रहा हूं खुदा शाहिद है इतना हमला हुआ कि जीन से उठ गया मेरे मौला हसन का बेटा जमीन से लहरा गया हवा में लहरा गया अल्लाह अकबर कैसे मैं बया, बयान करूं जब गिरे हैं ना तो सारे के सारे शोहदा गिरते रहे मगर हुसैन इबन अरी ने इजतवाही जंग नहीं की वैसे तो लड़ाई करना पड़ती थी हर लाश लेने ले के लिए मगर ऐसी बाकायदा लड़ाई नहीं की मगर कासिम से इतना प्यार था मेरे अजीजों हुसैन ने अब्बास को देखा अब्बास ने हुसैन को देखा मैमने से हुसैन ने हमला किया मैसरे से अब्बास ने हमला किया उधर फौजों में भगदड़ मची कासिम का यतीम घोड़ों की टापू तले पामाल होता रहा और जब तक जान बाकी रही ये कहते रहे चचा मेरी मदद को आइए, जब तक हुसैन जिंदा रहे ये हसरत करते रहे मेरे लाल मुझे ये गम नहीं भूलेगा तू मुझे बुलाता रहा मैं तेरी मदद को ना आ सका जजाकल्ला अजरों को मलल्ला बर्दाश्त कर सकेंगे हुसैन पहुंचे ये वाहिद लाश है हुसैन ने कंधे पे नहीं उठाई ना उमूदी उठाई ना तूल में उठाई ना अरज में बर्दाश्त कर सको तो रिवायत के जुमले यही है अपनी आबा बिछाई बस इससे ज्यादा मैं आगे नहीं पढ़ सकता अपनी आबा बिछाई कासिम के टुकड़ों को लिया कासिम के टुकड़े आबा में रखे और अपनी पुश्त पे वो आबा डाली अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर देखिए मैं आगे नहीं जाता बस टाइम खत्म हो गया है माशाला बहुत रो चुके आप आज ये जो मेरी माए बहने बेटियां हसरतें लेके आई है ना हजरत कासिम की शबी के लिए कोई भी खाली नहीं जाएगी कोई मेरा भाई भी खाली नहीं जाएगा हमारे जैदी साहब को भी अल्लाह जन्नत में जगह दे जो आज दफन हो गए आप सबके की इनकी मफरतो बानी आने मजलिस के भी बानी आने मस्जिद के भी मरहूम इनकी हजार मतरम मैं मजलिस खत्म कर रहा हूँ एक ही जुमले पे बर्दाश्त न हो तो हाथ जोड़ रहा हूं मुझे माफ कर देना देखिए मेरे मौला हुसैन की लाश पे भी घोड़े दौड़े कासिम की लाश पे भी घोड़े दौड़े मगर फर्क ये था अगर रूह निकल गई हो तो तकलीफ कम होती है कासिम जिंदा थे घोड़े दौड़ रहे थे आवाज आती थी चचा मेरी मदद को आई चचा